बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, एक्सरसाइज ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। तो आपको इससे पहले वाले इंग्लिश के लेसन भी इस चैनल पे मिल जाएंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नर्स आस्क हिराज सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर। नर्स ने हिरा की बहन से क्यों कहा कि वो आए और उससे बातचीत करे। वो इसके उसने कहा कि शी वॉज थिंकिंग दैट वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स। उसका ख्याल था कि एक करीबी अजीज की आवाज़ सुनकर शायद उसके आसाब जो हैं वो काम करना शुरू कर दें, इसलिए उसने कहा कि वो बात करें। Why did the nurse disagree with the doctor's point of view? नर्स जो है उसने डिसएग्री किया या मुखालफत की डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू की। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड। जब नर्स को मशवरा दिया गया कि वो मरीज को तवज्जो देना छोड़ दे, डिडंट सीम राइट, उसको ये मुनासिब दिखाई नहीं दिया, क्योंकि नर्स का ख्याल था, नर्स थिंक्स दैट इट वॉज अनवाइज टू लीव पेशेंट अनअटेंडेड। लाइफ इज प्रेशियस, जिंदगी एक कीमती चीज़ है। अ चांस शुड बी गिवन टू द पेशेंट, मरीज को एक मौका मिलना चाहिए। शी थॉट दैट हर फुल अटेंशन कुड मेक हर पेशेंट रिकवर। उसका ख्याल था कि उसकी पूरी तवज्जो मरीज को सेहतयाब करने में मदद देगी। Why did the nurse ask herself the question, could I be able to justify my stance before the senior doctors? उसने ये क्यों कहा कि मुझे अपने आप से ये सवाल किया चाहिए कि मैं जस्टिफाई कर सकूंगी। द डॉक्टर्स थॉट दैट शी वॉज अ होपलेस केस एंड दे वॉन्टिड टू गेट द बेड क्लियर फॉर अदर पेशेंट्स। डॉक्टर्स का ख्याल था कि ये मरीजा सेहतयाब नहीं हो सकती और इसके बेड को दूसरे मरीजों के लिए खाली होना चाहिए। द नर्स रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स टू लेट हर स्टे इन द आईसीयू एंड अलाउ हर टू अटेंड द पेशेंट। नर्स ने रिक्वेस्ट की सीनियर डॉक्टर्स से कि उसे आईसीयू में रहने दें। हर रिक्वेस्ट वॉज कंसीडेड, उसकी रिक्वेस्ट मान ली गई। शी आस्क दिस क्वेश्चन टू रिकन्सिडर हर जजमेंट अबाउट द पेशेंट। उसने अपने आप से ये सवाल इसलिए किया कि क्या उसे रिकंसिडर दोबारा सोचना चाहिए मरीज के बारे में। डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ द नर्स इन द स्टोरी। इस नर्स की कुछ क्वालिटीज जो स्टोरी में बयान की गई हैं वो बताएं। तो शी इज़ अ टीम प्लेयर। आपको पता है कि किसी भी पेशेंट की केयर जो है वो एक टीम करती है जो डॉक्टर्स और नर्सेज पे मुश्तमिल होती है। एक अकेला बंदा फैसला नहीं करता। उसने सोचा, लेकिन उसने सीनियर नर्सेज को भी बताया और डॉक्टर को भी बताया। शी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उसने पेशेंट के रिलेटिव से भी कम्युनिकेट किया, बातचीत की, और सीनियर डॉक्टर से भी बातचीत की। ये एक नर्स की बहुत बड़ी खूबी होती है। शी इज़ अ काइंड हार्टेड केयरिंग नर्स। इसने अपने जो है मरीज के बारे में इतना सोचा तो उसका दिल जो है वो बहुत नरम है। और शी इज़ एम्बिशियस। उसने मरीज के लिए गोल सेट किया और उसको हासिल करने के लिए फिर उसने दिन रात करके उसकी एक्सरसाइजेस करवाई। तो शी इज़ अ एम्बिशियस नर्स। फिर एम्पथी। एम्पथी कहते हैं कि जैसे दूसरे की तकलीफ को अपने ऊपर महसूस करना। तो शी हैज़ एम्पथेटिक एटीट्यूड, कि उसने बिल्कुल उस पेशेंट के लिए ऐसे ही सोचा जैसे अपने लिए सोचते हैं। शी हैज़ गुड जजमेंट। उसने गुड उसकी जजमेंट या अंदाज़ा दुरुस्त था कि मरीज़ जो है वो बाद में सही हो गया। शी इज़ अ हार्ड वर्किंग नर्स, के उसने अपना ड्यूटी जो है वो सही तरीके से मेहनत से अदा की। शी हैज़ पॉजिटिव थिंकिंग, के उसने इतने बुरे हालात में भी मरीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचा। तो असल में पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। शी इज़ हम्बल, के जब उससे कहा गया कि उसकी कोशिशों से मरीज़ ठीक हुई है, तो उसने कहा नहीं, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी से ठीक हुई है। तो आजिज़ इंसान तकब्बुर नहीं होता। शी इज़ थैंकफुल, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसको तौफीक दी कि मरीज़ जो है वो ठीक हो जाए। फिर शी इज़ रिस्पेक्टफुल, कि उसने जो है वो सीनियर डॉक्टर्स की भी रिस्पेक्टफुल थी वो, कि उसने पूरी कोशिश की कि उसे इजाज़त मिल जाए। फिर शी इज़ एबल टू डिस्कनेक्ट।
असल में नर्सिस की शिफ्ट ड्यूटी होती है, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के हवाले करनी पड़ती हैं। जब वो ट्रेनिंग कोर्स के लिए जा रही थी तो उसने मरीज़ दूसरे हाथों के हवाले कर दिया। फिर गुड प्रोफेशनल अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए वो ट्रेनिंग ज्वाइन की। तो प्यारे बच्चों, असल में ये सारे करेक्टर्स गुड ह्यूमन बीइंग के हैं। तो क्या आप और मुझे भी चाहिए कि हम भी अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा करें ताकि हम अच्छे इंसान बन सकें, और जब अच्छे इंसान बनेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे मुसलमान भी बन जाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि हम भी ये सारी खूबियाँ अपने अंदर पैदा करें? तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें। असल में जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो मज़हब ने ही दुनिया को दी हैं, और हमारा दीन इस्लाम शुरू से अल्लाह ने इस्लामी पैगम्बरों पर नाजिल किया, और अब आखिरी जो एडिशन है वो कुरान मजीद है जिसमें कोई तहरीफ मुमकिन नहीं। तो कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ना अपनी आदत बना दें, कम अज़ कम रोज़ की 3 आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई मसनून दुआएँ याद करें। वाई डिड द नर्स से वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ पे नीयत हो वहाँ पे रास्ता निकल आता है, ये नर्स ने क्यों कहा? शी प्रूव्ड प्रैक्टिकली दैट अ होपलेस पेशेंट कुड बी क्योर्ड इफ़ यू आर विलिंग टू फाइट अ लास्ट वार। उसने प्रैक्टिकली प्रूव किया कि अगर आपकी मेहनत करने के लिए तैयार हों तो एक पेशेंट जो है उसको वापस अपने पाँव पे खड़ा किया जा सकता है। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को